सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं आपका निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। तो गाइस आज हम गंडोला जा रहे हैं ऊपर वाले पहाड़ पे। वाओ, आज मजे आएंगे। आज करेंगे भाई 24 आवर्स इन स्नो चैलेंज, 24 घंटे बर्फ में रहना हमें। अरे बाप रे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। अच्छा तू ही सबसे पहले रोएगा, देख लियो। जाने से पहले भाई इग्लू को तोड़ के जाते हैं, कल हमने आधा तोड़ा था। देखो गाइस हमारी गैंग यहाँ पे भी मिली है। आप कहाँ से हो? स्पेशली गुलमर्ग आए हैं आपसे मिलने के लिए। बाय बाय, थैंक यू। तो गाइस सभी ने भाई गुलमर्ग से भी ऊपर जा रहे हैं, गाड़ियों को मना कर रहे हैं जाने के लिए। हमारी 4x4 कार है तो इसलिए हमारी अलाउ कर रहे हैं। अब हमारी कार अकेली है यहाँ पे जाने के लिए, हम अकेले जा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस आज कर रहे भाई 24 आवर्स बर्फ में चैलेंज। आज बर्फ पड़ने लग गया है तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी 11 बज गया है गाइस, कल दिन के 11 बजे तक हमें बर्फ में रहना है और सोएंगे भी बर्फ में। गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई केबल कार में ऊपर वाली पहाड़ी पे। आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। अपना भाई गाड़ी भी नहीं जाती, सिर्फ रोप वे से जाना पड़ता है। पूरे घर बर्फ में ढक चुके हैं, ये देख लो गाइस कितने ऊपर आ गए हैं। गाइस अपना भाई बर्फ का तूफान भी आता है। चलो चलो चलो, ये देख लो गाइस लोग कहाँ से स्कीइंग कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर से। तो गाइस अभी ऊपर वाले पहाड़ पे आ गए हैं, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। दिन के टाइम चैलेंज आसानी से निकल जाएगा, बर्फ में मस्ती करेंगे। और अभी मैं यहाँ पे स्कीइंग सीखूंगा, मैं स्कीइंग से नीचे जाऊंगा पहाड़ से, मैं स्कीइंग से नीचे जाऊंगा पहाड़ से। अरे बाप रे, सीख लिया है। अभी यहाँ से लेके नीचे स्कीइंग करता हुआ जाऊंगा। बाकी गाइस अभी ना भाई प्रोफेशनल स्कीइंग सीखनी बाकी है, टाइम टाइम सीखता रहूंगा क्योंकि भाई मेरा सपना है कि मैं वहाँ से नीचे आऊँ। बिल्कुल खड़ा पहाड़ है वहाँ पर। पोलैंड के दो बंदे जो एवलांच में आ गए थे उनकी डेथ हो गई थी गाइस। दो हफ्ते पहले ना पोलैंड का एक ग्रुप आया था यहाँ पे, बर्फ का तूफान आ गया था, एवलांच आ गया था, तो दो बंदे वहाँ पे एक्सपायर हो गए थे। तो इसलिए वहाँ पे पहले अच्छे से स्कीइंग सीखनी पड़ेगी, तब जाके नीचे आ जाएगा। दो बंदे आए थे ना तूफान में, वो भी गाइस प्रोफेशनल थे, तब भी ये देख लो गाइस वो तूफान में फंस गए थे। मेरे को इस पहाड़ से नीचे वाले पहाड़ पे जाना है 7 किलोमीटर नीचे स्कीइंग करते हुए। खतरनाक वाली राइड होने वाली है, मेरा पहली बार है। 13,000 फीट से आप नीचे जा रहे हो। अरे देवा, पर कभी कुछ दिख भी नहीं रहा है, मौसम खराब है, ऊपर ऑक्सीजन भी नहीं है। गाइस अभी वापस से प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। ओह भाई वो कितनी स्पीड में गया। गाइस फाइनली भाई स्कीइंग का कोर्स पूरा हो गया है, अब पहाड़ से नीचे जाएंगे स्कीइंग करते हुए। अभी खाना वाना खा लेते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। इंशाल्लाह 7 किलोमीटर राइट इंशाल्लाह आपको जाना है। गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, पहाड़ के नीचे जाना है मेरे को, आज ही सीखी है और आज ही पहाड़ के नीचे जाऊंगा मैं। ओ भाई हो। तो गाइस फिलहाल खाना भी आ गया है, खाने में राजमा और रोटी। खाना तो खा लिया है, 3 बजने वाले हैं। ये देख लो यहाँ पे टाइम आराम से कट रहा है, चैलेंज का। बड़े वाली बाइक चलाएंगे, कुदाना। ये देख लो भाई ये वाली चलाएंगे, भाई साहब मस्त। अभी मेरी बारी है बाइक चलाने की। भाई यहाँ से फिसलती है, यहाँ से इसकी मोटर चलती है, और ये देखो भाई यहाँ से गियर लगते हैं इसके। 180 की स्पीड तक भाग लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। ये देख लो कोई रोड नहीं है, ये बर्फ है, इसमें 180 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी गहरी बर्फ है, बहुत तेज भाग रही थी, पलट भी सकते थे, बहुत मुश्किल से बच गए। आपने बैलेंस ना किया होता वे गॉन। भैया कह रहे अगर बैलेंस नहीं किया था तो गिर जाते। ये देखो गाइस स्नोफॉल होगी बढ़िया वाली। तो गाइस फाइनली भाई 4 बज गया और अब फाइनली स्कीइंग करेंगे। भाई साहब मजे आ गए भाई। तो गाइस सारे रेडी हो गए भाई पहाड़ से नीचे जाने के लिए। मैं स्कीइंग करके जाऊंगा और ये इस पे झूल के जाएंगे। सब रिस्क नहीं ले रहे, मैं रिस्क ले रहा हूँ बस। ओ भाई सर हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नाश्ते में आपको
चाहिए क्या? खा लिया भाई। और कुछ लग रहा था हमारे से, बोले हम जिंदा जब तक हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ, जैसे आप इच्छा बोला हम करते रहेंगे। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं पहाड़ से नीचे जाऊंगा। लाइफ का भाई बहुत बढ़िया वाला एक्सपीरियंस ले लिया भाई के साथ। उन्होंने टीचिंग दी मेरे को, थैंक यू सो मच सर। ये मुझे पहाड़ से नीचे लेके आए हैं, आज पहले दिन ट्रेनिंग ली और पहले दिन पहाड़ से नीचे ही आ गए। ये सब भाई है जिन्होंने इतनी मेहनत करी हमारे पीछे और मेरे को स्कीइंग करवाई, थैंक यू सो मच भाई। हमारे पास पैसे नहीं थे, सोहेल भाई ने खुद से पैसे दिए आगे जाके। तो गाइस फाइनली भाई जो मेरी लिस्ट में था ना, स्काई डाइविंग करना, स्कूबा डाइविंग करना, सांडो के आगे भागना, उसमें एक स्कीइंग करना भी था। तो गाइस आज वो पूरा हो गया है। ये देख लो भाई, जो ऊपर वाला पहाड़ है ना, वहाँ से स्कीइंग करके आया मैं नीचे जंगलों में से, गहरी बर्फ में से, पूरी ढलान पे से, वहाँ से मैं नीचे आया। वहाँ से आने के लिए ना लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग चाहिए। पूरी 15 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद लोग पहाड़ से नीचे आते हैं स्कीइंग करते हुए। जो गाइस हमारे टीचर थे ना, आधे घंटे में मेरे को सिखा भी दी, मेरे से बोल रहे कि भाई आपने आधे घंटे में सीख भी ली और तुम नीचे भी आ गए। गाइस उसमें भाई रिस्क बहुत ज्यादा थी, कुछ भी हो सकता था, खाई में गिर भी सकता था, पहाड़ों के नीचे भी जा सकता था, बर्फ के अंदर ढल भी सकता था, पैर भी टूट सकते थे। जब गिरा था ना मेरा घुटना मुड़ गया था और अभी भी दर्द हो रहा है, पर गाइस फाइनली मैंने कर ली, मजे आ गए। मैं बहुत रिस्क लेता है, ये तो आपका कमाल हो गया कि मतलब आप पहले ही दिन इतने ऊपर से आए हो स्केटिंग करते, रिस्क बहुत ज्यादा है उसमें, किसी की टांगी भी टूटती है। यहाँ पे एक मिनिस्टर भी आया, उसके भांजे की भी कल टूटी है टांग। ये देख लो भाई, सबने भाई कोई मिनिस्टर भी आया है, उनके भांजे की टांग भी टूट गई ऐसे। दो दिन से वो प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन तीसरे दिन वो खुद चलने में लगे तो उसी दिन उनकी टांग टूट गई। उनने भी भाई 2 दिन की ट्रेनिंग करी थी और तीसरे दिन सीधा फेस टू से नीचे आने लग रहे थे, टांग टूट गई उनकी, एडमिट हॉस्पिटल में। एडमिट को श्रीनगर यहाँ से रेफर किया गया, वो पहले दिन यहीं पे थे, फिर श्रीनगर रेफर किया गया बड़े हॉस्पिटल में। भाई कमाल है गाइस, मैंने बहुत बड़ी रिस्क ले ली, बहुत ही बड़ी रिस्क है ना। वहाँ तो एवलांच आने के भी चांसेस रहते हैं, आपने सुना होगा 5-10 दिन पहले वहाँ पे एक एवलांच आ गया, 2 फॉरेनर्स वहाँ पे मर गए। गाइस अब मेरे को ज्यादा डर लग रहा है सोच के, पर मजा आ गया गाइस, एक चीज तो पूरी हुई, अभी स्काई डाइविंग भी करेंगे, सांडो के आगे भी भागेंगे। तो गाइस अभी ना भाई बिस्तर वगैरह बिछाते हैं बर्फ में क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है और सोने की तैयारी करते हैं, टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। गाइस चीनू ने अपना स्लीपिंग बैग ले लिया है, चीनू इसमें सोएगा। ये देखो गाइस यहाँ पे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, चीनू तो लेट भी गया, कुछ फील हो रहा है नीचे। तो गाइस अभी फाइनली गाइस सोने जा रहे हैं। तो भाई स्लीपिंग बैग के अंदर आ गया, चाचा और चीनू भी लेट गए बर्फ में, पूरे बर्फ में लेटे हैं। ये देख लो अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है, 24 आवर्स चैलेंज किया हमने, आज यहीं पे सोएंगे बर्फ में। वो आई गर्म है अंदर से, ठंड नहीं लग रही? नहीं हवा पता भी नहीं चल रहा। एक चीज माननी पड़ेगी, मतलब ये जो स्लीपिंग बैग है ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, जो आर्मी वाले यूज करते हैं गाइस वही चीज है। इसमें मैं आराम से पूरी रात भर सो सकता हूँ बर्फ में, अगर स्नोफॉल भी होगी ना तो स्नोफॉल भी कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत मोटा है ये और बहुत गर्म है, मजा आ रहा है। गाइस अभी एक सीन हो गया, किसी ने पाद मारा है और कोई बता भी नहीं रहा, यहाँ तक बदबू आ रही है। रूम के अंदर तो फैल जाती है, गाड़ी के अंदर भी फैल जाती है, यहाँ कैसे फैल रही समझ में नहीं आ रहा। तू भी सोचा भाई, रात की स्नोफॉल दिखा रखी है, रात स्नोफॉल वाले बादल आ रही है, कारगिल वगैरह इधर से, सिर्फ मुंह पे थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है, बाकी अंदर पता ही नहीं चल रहा गर्म। ये देख लो गाइस यहाँ पे बर्फ और यहाँ पे हम। गाइस पैर में ना भाई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सुबह स्कीइंग में लगी थी ना, अभी 12:19 हो गई है और गाइस सुबह उठेंगे, मेरे को एडिटिंग भी करनी है, तो गुड नाइट। तो गाइस अभी तो मैं उठ चुका हूँ, मुझे रात को ठंड लग रही थी, मैं बाहर था, मैं अंदर आ गया था, रात को स्नोफॉल हो गई थी। चलो उनको उठाने चलते हैं, देखते हैं उनका क्या हाल हो रखा होगा। अरे ये तो रे कैटरपिलर बन रखे हैं, सो रहे तो। भैया उठ जाओ, कुबिया उठ जाओ, उठ जाओ ना पापा उठ जाओ, 8:00 उठ गया मैं, तो उठ गया। हाँ मैंने क्विट कर दिया था, मुझे डर लग रहा था, अभी उठे थे फिर से सो गए, वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, पापा फिर से सो गए। चीनू ने उठा दिया, बहुत स्नोफॉल हो रही है, बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है। ये देखो क्या हाल हो गया, चाचा खड़े हो जाओ, चैलेंज को क्विट क्यों कर दिया अपना, ठंड लग रही थी रात को, इससे भी ज्यादा तेज स्नोफॉल हो रही थी। खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा, रुक जा यार सोनू। उठ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सबको। गाइस पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत गंदी वाली चोट लगी थी गाइस, मेरा पैर भी टूट सकता था।
गाइस मेरे को लगता है भाई हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, घर जाके चेक करवाते हैं, रात को भी क्या दर्द है। अंदर तो बिठा दूं। तो गाइस अभी 9 बज चुके हैं, बहुत गहरी नींद आई स्लीपिंग बैग में, -30 वाले स्लीपिंग बैग है तो इसमें कोई सर्दी भी नहीं लगती। 2 घंटे बाकी है, 2 घंटे बाद चैलेंज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस अभी ना भाई बर्फ में ऐसे घूमने लग रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं भाई, सिट्टू भी बाहर हो गया, अंदर बैठ रहा है, अंदर बैठ रहा है भाई साहब। गाइस सिट्टू भी हार मान रहा है, बर्फ का तूफान आ रखा है वहां पे, ऊपर का वो भी नहीं दिख रहा पहाड़, बहुत ठंड लग रही है लिटरली, कहीं अंदर भी नहीं घुस सकते भाई। ये ओ भाई साहब, वो हाथ कैसे हो गए मेरे काले, ब्लैक ब्लैक। गाइस लिटरली भाई मेरे हाथ पर्पल हो रहे हैं, जल्दी से 11 बज जाए, रहा नहीं जा रहा, जैकेट भी नहीं पहनी मैंने अभी। ओ भाई हाथ खराब हो गए भाई, चाचा भी गाड़ी के अंदर बैठ गए, ये देख लो अभी 10। तो बोले भैया नीचे जाके खा लेना, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, अभी फंस जाओगे, मौसम खराब होने वाला है, नीचे जाओ, रास्ता बंद होने का खतरा है। भाई साहब गाड़ी के अंदर घुस भी नहीं सकते, गाड़ी पे लटक जाता हूँ, ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। गाइस हाथ जम रहा है भाई, ठंड लग जाएगी जल्दी, चाचा अभी भी टाइम बाकी है, 5-4 मिनट के बाद अंदर आ जाओ भैया, वीडियो बंद करके अंदर आ, नहीं चीटिंग नहीं करती, 3 मिनट बाकी अभी भी। ये देख लो गाइस खतरनाक वाली बर्फ चालू हो गई है, रास्ते बंद होने का खतरा है, 2 मिनट बाकी है बस, 2 मिनट। सामने कितनी बर्फ पड़ रही है भाई साहब, बहुत गंदी वाली बर्फ पड़ने लगी, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे अब। ओ भाई यार ये 2 मिनट ही नहीं निकल रही अब, फाइनली भाई 1 मिनट बाकी है चैलेंज कम्प्लीट होने में, फाइनली अंदर हीटर में जाके आराम करूंगा। ओ भाई गिर गया, वेट है जल्दी से 11 बज जाए हम निकल लेंगे नीचे के लिए, फाइनली फाइनली 11 बज गए। ओ भाई फाइनली भाई 24 आवर्स इन स्नो चैलेंज कंप्लीट हो गया है भाई साहब, एंड टाइम पे गाइस गिर भी गया मैं। ओ भाई हीटर, अब आके शांति मिल रही है भाई, बर्फ पड़ी थी बहुत ज्यादा और ज्यादा घर ढक गए सबके, 11 बज गया चैलेंज कंप्लीट हो गया है। भैया आपको तो मान गए, सबने क्विट कर दिया था, आप ही ने किया, बता देखो जाने की जल्दी थी, थोड़ी देर पहले तो किया है। हाँ मेरे हाथ ना पर्पल पड़ गए थे ठंड के मारे, आर्मी वालों ने सबको यही एडवाइस किया है कि सब अपने घर चले जाओ, रास्ते बंद होने वाले हैं भाई, सही टाइम पे निकल गए, हो सकता था गाइस ऊपर ही फंस जाते 7-8 दिनों के लिए, इंटरनेट वगैरह सब बंद हो जाता, बच गए मैं जब भी तो जल्दी कर रहा था, चलो चलो गाइस पूरा मौसम ढलने लग गया, बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे तूफान आएगा, यहाँ पे घनी बारिश का मौसम हो गया, यहाँ पे बारिश रहेगा बर्फ गिरेगी सीधी बढ़िया वाली। गाइस पैर में भाई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए गाइस अब सीधा घर पे जा रहे हैं। गाइस ये देखो भाई जीप पलट गया, एक्सीडेंट हो गया। तो गाइस वापस घर पे आ गया भादरगढ़, कल शाम से निकले हुए हैं और सुबह आके पहुंचे हैं, 8:30 बज रहे हैं। ओए ओए चिकी भाई साहब, गाइस चिकी स्कूल जा रही है भाई, गाइस चिकी ने हमें बहुत मिस किया, कह रही है मैं जा रही हूँ आप आ रहे हो, चाचा को तो घर पे छोड़ दिया है, गर्म पट्टी लगा लियो भाई, गर्म पट्टी लगा लो पैरों पे, गर्म पट्टी बांध लियो, पूरे रास्ते में गाड़ी में बैठा था, पैर में अभी भी दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो जाते ही पट्टी करूंगा पहले मम्मी से। थोड़ी बहुत लगी बस, छोड़ जो जो हाथ पैर हो गए तो खराब फिर हल्की चोट है मम्मी, ये देखो गाइस मम्मी रोने लग रही है, रो मत मम्मी, सीखे करिए मैंने कोई वैसे नहीं करी, सीखी है पहले मैंने। तो गाइस फिलहाल मैं बहुत दिनों के बाद अपने आ गए रूम में, और गाइस मम्मी भी गर्म पट्टी बांध रही है पैरों के, ए तू हट, बीच में बैठा है, मैंने स्कीइंग भी कर ली और मैं बच भी गया, स्काई डाइविंग वगैरह बहुत सी चीजें बाकी, मम्मी जहाज में कूदने वाली चीज भी करूंगा, सीख के करूंगा पर अच्छे से, की बात तेरे पैर में चोट कहीं लगी ना, देख ले तू ना होगा तो मैं ही तोड़ दूंगा। तो गाइस फाइनली भाई पट्टी तो बंध गई है, बाकी गाइस अभी मैं आराम करूंगा, सोऊंगा, कश्मीर घूम के भाई बहुत मजा आ गया, मन ही नहीं कर रहा था घर पे वापस आने का, वहीं पे रहने का मन कर रहा था, गर्मियों में जाएंगे भाई पूरी फैमिली के साथ कश्मीर, सर्दियों में बर्फ रहती है गर्मियों में पूरी हरियाली रहती है, और फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में, सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का, सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।